बैक अगेन बेटा, आई होप यू ऑल आर वेल। तो बेटा आज हम डिस्कस करेंगे कन्वर्जन ऑफ अ फ्रिक्शन इनटू लोवेस्ट फॉर्म। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या होगा कि हाउ टू कन्वर्ज, ठीक है, ए फ्रिक्शन इनटू इट्स लोवेस्ट फॉर्म। एक फ्रिक्शन आपको गिवन होगा, उस फ्रिक्शन को उसके लोवेस्ट फॉर्म में कैसे चेंज किया जाए। सो फर्स्ट पार्ट इज 15/35। तो पहले हमने चेक करना है कि जो आपका न्यूमरेटर और जो डिनोमिनेटर है दोनों किस सेम टेबल से डिवाइड हो रहे हैं, उस नंबर से उनको क्या कर देना है, डिवाइड। जैसे ये भी 5 की टेबल में आ रहा है, ये भी 5 की टेबल में, तो इसको भी 5 से डिवाइड कर दिया, इसको भी 5 से। ऐसा नहीं करना है कि आपने इसको 5 से कर दिया, इसको 7 से, नो। इसको 5 से कर रहे हो तो इसको भी 5 से। जब आप 15 को 5 से डिवाइड करोगे तो 3, 35 को 5 से डिवाइड करोगे तो 7। क्या ये दोनों सेम टेबल से डिवाइड हो रहे? नहीं। सो दिस इज योर लोएस्ट फॉर्म। क्लियर? नेक्स्ट पार्ट, पार्ट नंबर सेकेंड, 18/24। ठीक है, दोनों सेम टेबल में डिवाइड हो रहे हैं। कौन सी टेबल से? 6 से। इसको भी 6 से डिवाइड किया, इसको भी 6 से डिवाइड किया, तो ये कितना बन गया? 6 3s are 18 और 6 4s are 24। सो दिस इज योर लोवेस्ट फॉर्म ऑफ दिस फ्रैक्शन। ठीक है, नेक्स्ट वन इज पार्ट नंबर 3, इट मीन्स 48/120। ठीक है, अगर आपको ऐसे डिवाइड नहीं करना है तो आप कैंसिल आउट भी कर सकते हो। 2 से आपको डिवाइड करना आ रहा है, आप 2 से कट कर सकते हो, 3 से आ रहा है 3 से। अब मेरे को लग रहा है दोनों 2 की टेबल में जा रहे हैं, तो मैंने 2 से काटा, 2 2s are 4, 2 4s are 8, 2 6s are 12 and 0। ठीक है, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 3s are 0। ठीक है, 2 6 2 1 and 5। अब दोनों 2 की टेबल से डिवाइड नहीं हो रहे, किसकी टेबल से डिवाइड हो रहे हैं? 3 की टेबल से। सो 3 2s are 6, 3 5s are 15, सो आंसर विल बी 2/5। सो 2/5 विल बी द लोवेस्ट फॉर्म ऑफ दिस फ्रिक्शन। क्लियर? अब आते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हाउ टू ऐड। ठीक है, हाउ टू ऐड टू फ्रैक्शंस। तो ध्यान से देखना बेटा, 5/9 + 2/9, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, पार्ट नंबर फर्स्ट। फर्स्टली वी हैव टू चेक डिनोमिनेटर्स आर इक्वल और नॉट। इफ डिनोमिनेटर्स आर इक्वल देन राइट डिनोमिनेटर एट वन प्लेस। यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या आ जाएगा? 9। यहाँ पे आपका क्या बना? 5 प्लस। न्यूमरेटर को रख दो एज इट इज, डिनोमिनेटर को एक जगह पे रख के न्यूमरेटर को प्लस कर दो, क्या बना यहाँ से? 7/9। ठीक है, नेक्स्ट वन इज 7/12 + 5/12। मैंने क्या बोला? डिनोमिनेटर को रखो एज इट इज, डिनोमिनेटर को एक जगह पे रख दिया, न्यूमरेटर को क्या कर दो? प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। 7 + 5 = 12, और नीचे भी क्या था? 12, 12 1s are 12, सो आंसर विल बी 1। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3, 4 × 1/5 + 6 × 2/5। ध्यान से देखना बेटा, सबसे पहले मिक्स फ्रिक्शन में इसको किस में चेंज करूंगी? इम्प्रॉपर में। कैसे? इसको इससे मल्टीप्लाई किया, 4 5s are 20, 20 + 1, 21 बाय 5 प्लस, 6 5s are 30, 30 + 2, 32/5। ठीक है, सो एलसीएम विल बी 5। इन दोनों का एलसीएम क्या लोगे? सेम ही होगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ गया? 21 + 32, इट मीन्स 2 + 1 = 3, 3 + 2 = 5/5। कैसा फ्रैक्शन है? इम्प्रॉपर, और इम्प्रॉपर को अगर आप चेंज करोगे तो क्या करना पड़ेगा? डिवाइड कर दो, डिवाइड। 5 1s are 5, यहाँ से आया 3। ठीक है, ये लग गई 0 यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, पहले आपका कोशियंट, यहाँ से आपका रिमाइंडर, ये आपका डिवाइजर, तो क्या बन गया? 10 × 3/5 इज योर आंसर। क्लियर? नाउ मूव टू अवर क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर ये कब करना है आपको सारा का सारा काम? जब आपके पास डिनोमिनेटर सेम हो।
और जब आपको डिनोमिनेटर सेम बनाने हो तो आप क्या करोगे, देखो ध्यान से क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या कह रहा है, देखो 5/6 + 3/4। फर्स्टली यू हैव टू टेक एलसीएम ऑफ बोथ डिनोमिनेटर, जो आपके दोनों डिनोमिनेटर है उनका क्या लोगे एलसीएम। 2 3s are 6, 2 2s are 4, 2 1 3 आपका एज इट इज 3 1, ठीक है। सो एलसीएम विल बी 2 × 2 × 3, 2 2s are 4, 4 3s are 12, सो एलसीएम विल बी 12। इनका एलसीएम कितना आ गया बेटा 12। फर्स्ट वाले नंबर के डिनोमिनेटर से जो आपका एलसीएम आया उसको डिवाइड करो 6 से 12 को, कितना आ गया कोशियंट 2 6 2 12। जो कोशियंट आया उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दो, 2 5 are 10, ठीक है, बीच में प्लस है तो प्लस। अगेन वी हैव टू रिपीट दिस प्रोसीजर, नाउ वी हैव टू डिवाइड 12 by 4। तो 12 को जब आप 4 से डिवाइड करोगे, 4 3s are 12, यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ गया 0। नाउ कोशियंट इज 3, इस नंबर की टर्न आ गई थी तो कोशियंट से इस नंबर को क्या कर दूंगी मल्टीप्लाई, 3 3s are 9, सो आंसर विल बी 19/12। नाउ दिस इज योर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, नाउ वी हैव टू चेंज दिस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू मिक्स फ्रैक्शन, इट मींस वी हैव टू डिवाइड 19/12, 12 1s are 12, यहाँ से रिमाइंडर कितना आया 7, सो यहाँ से यहाँ इट मीन्स 1 × 7/12 इज योर आंसर, क्लियर। अब आते हैं इसी के सेकेंड पार्ट पे, सेकेंड पार्ट आपका क्या कह रहे हैं देखो एक बार। (2 × 2/9 + 1 × 2/15) 9 2s are 18, पहले इम्प्रॉपर में चेंज करूंगी, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, 9 2s are 18, 18 + 2 + 20 + 15 1s are 15, 15 + 2 = 17, ठीक है। नाउ वी हैव टू टेक एलसीएम ऑफ दीज टू डिनोमिनेटर्स, सो वी हैव टू टेक एलसीएम ऑफ 9 and 15, 3 की टेबल से डिवाइड हो रहे हैं दोनों, 3 3s are 9, 3 5s are 15, 3 1 and this is 5, 5 1, so LCM will be 3 × 3 × 5, 3 3s are 9, 9 5s are 45, clear, so LCM will be 45. Now we have to divide 45 by first denominator. First denominator से जब मैं 45 को divide करूँगी तो quotient will be 5, because 9 5s are 45, clear. Now we have to multiply quotient with numerator, 20 × 5, it means, या फिर ऐसे समझ नहीं आता तो 9 को 45 कैसे बनाऊंगी, इसको 5 से मल्टीप्लाई करके, इसको कैसे बनाऊंगी, इसको भी 5 से मल्टीप्लाई करूंगी, तो ये कितना बन गया, ये तो 45 बन गया, 25s are 100+, ठीक है। फिर देखो ये रफ काम है आप लोगों का, 15 को 35, 45 3 से मल्टीप्लाई करके, तो इसको भी किससे मल्टीप्लाई करूंगी 3 से, तो ये कितना आ गया 17 3s are 51 by 45, ठीक है। 151 को मैं 45 से क्या करूंगी डिवाइड, 3 से 3 5s are 15, 3 4s are 12 और 1 13, तो यहाँ से कितना बचा 11 में से 5 गया 6, यहाँ 4 में से 3 गया, तो आंसर कितना आ गया 3 × 16/45, क्लियर। नाउ मूव टू और पार्ट नंबर 3, पार्ट नंबर 3 आपका क्या कह रहा है देखो अब ध्यान से। ये कंडीशंस कब अप्लाई होंगी, व्हेनेवर डिनोमिनेटर्स आर नॉट इक्वल, ठीक है। आप देखो यहाँ पे पार्ट नंबर 3, 3 × 1/5 + 1 × 3/10, 5 3s are 15, 15 + 1 = 16+ 10 1s are 10, 10 + 3 = 13, ठीक है। नाउ वी हैव टू टेक एलसीएम ऑफ बोथ दीज नंबर्स, इट मीन्स वी हैव टू टेक एलसीएम ऑफ 5 × 2 = 10, इट मीन्स 5 1s are 5, 5 2s are 10, 2 1,
सो एलसीएम विल बी 5 इंटू 10, 2, इट मीन्स 10. सो एलसीएम विल बी 10. नाउ वी हैव टू डिवाइड 10 बाई 5. 5 टूज आर 10, 16 टूज आर 32. 10 वंस आर 10, 1 इंटू 13, 13. 3 प्लस 2, 5. 3 प्लस 1, 4, बाई 10. 5 नाइन्स आर 5 टूज आर, सो 9 को डिवाइड कर दूं 2 से, 2 फोर्स आर 8, कितना आ गया रिमाइंडर 1. तो क्या बना, 4 इंटू 1 बाई टी इज योर आंसर. ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा हाउ टू ऐड टू नंबर्स व्हेन डिनोमिनेटर इज सेम और व्हेन डिनोमिनेटर इज नॉट सेम. क्लियर, तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3. आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन. इफ यू लाइक इट देन प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू सो मच.